दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पार्ट टू, जिसमें आप लोग को पढ़ना है भूकंप से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, भूकंप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भूकंप किसको बोलते हैं। भूकंप यानी कि उसको संधि विच्छेद करते हैं तो भू प्लस कंप होता है। इसका मतलब कि भूमि का कंपन। भू का मतलब क्या हो गया? भूमि, और उसका कंपन। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी कारण बस भूमि में कंपन होने लगे तो उसी को भूकंप कहते हैं। ठीक है, देखिए भूकंप के निम्न कारण है। भूकंप आने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण ये है। पहला कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, उसके द्वारा भी भूकंप आती है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया, भूस्खलन जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, हिमस्खलन, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, प्रत्यास्थ सिद्धांत, रीढ़ का आधुनिकीकरण, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़। ठीक है, देख लेते हैं कुछ है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया है कि जब भूमि के, मतलब कि जिसको भूपरपटी है उसके नीचे, सपोज कीजिए कि बड़ा बड़ा प्लेट है, जितने भी महादेश है वो सब अपने प्लेट पे टिके हुए हैं। ठीक है, जैसे यूरोपीय प्लेट या फिर एशियाई प्लेट। जब दोनों प्लेट क्या होते हैं कि आपस में या तो टकराते हैं तो अब दूर जाते हैं, या फिर हलचल होती है मतलब भूकंप आते हैं, या फिर जब दो प्लेट हटते हैं, या तो हटेंगे या फिर एक दूसरे के नजदीक आएंगे या टकराएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? हलचल होगा पृथ्वी पर, और उसी के कारण हम लोग कहते हैं कि वो भूकंप आ गया है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है कि भूमि के अंदर से, मतलब कि धरती के अंदर से बहुत सारे, मतलब कि चट्टान वगैरह और भी बहुत सारे चीजें निकलती हैं, तो धरती के जैसे अंदर से फटा, तो फटने की वजह से क्या होता है कि भूमि में स्खलन होती है, या फिर कह सकते हैं कि भूमि में फैलाव या फिर हलचल टाइप का होता है, तो उससे हमको, हम लोग को पता चलता है कि ये भूकंप आया है। ठीक है, अब देख लीजिए भूस्खलन, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड में जैसे कह सकते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों को क्या करते हैं कि डायनामाइट या फिर बहुत मजबूत जो भी बारूद वगैरह है उससे तोड़ते हैं, तो क्या होता है बहुत बड़े बड़े चट्टान वगैरह गिरते हैं, इसके कारण क्या होता है कि भूकंप जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो उससे भी भूस्खलन से भी हम लोग का ये भूकंप आ सकता है। ठीक है, हिमस्खलन सेम है, बड़े बड़े बांधों का निर्माण। अब जहां पे बड़े बड़े बांधों का निर्माण होगा वहां पे आसपास में खतरा मंडराते रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भूकंप आ सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा इस पे प्रेशर पड़ता है, बड़े बड़े बांधों, पानी का जितना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वहां पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है। फिर प्रत्यास्थ सिद्धांत रीढ़ का है, तो प्रत्यास्थ सिद्धांत क्या होता है? प्रत्यास्थ सिद्धांत वो होता है जब कोई ठोस में, क्या होता है कि ठोस के आंतरिक अणुओं को क्या करता है कि आंतरिक बल के द्वारा ये एक्सक्यूज करता है, मतलब कि फैलता है। ठीक है, या फिर इसको में कुछ हलचल टाइप का होता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक स्प्रिंग जो है उसको सपोज कीजिए कि दबाए और छोड़ते हैं, तो क्या होता है फिर वो अपने मूल पोजिशन पे आ जाता है। इसी तरह से कोई ठोस में आंतरिक बल के कारण क्या होता है कि दबाव होता है या फिर खिंचाव होता है, उसी के कारण हलचल होता है, उसी को हम लोग कह देते हैं कि भूकंप है। पृथ्वी पर जब ऐसा होता है तो उसको भूकंप की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए आधुनिकीकरण क्या है? पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहा है लोग। बहुत जगह देखिएगा कि आंतरिक, मतलब कि अंदर का ट्रेन चल रहा है, अंदर ट्रेन चलेगा तो क्या होगा? अब बहुत रफ्तार से जब ट्रेन चलेगी तो क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए कि ये है, अब अंदर में ट्रेन है, पृथ्वी के अंदर खुदाई किया गया और ट्रेन चला, जब स्पीड में ट्रेन चलेगा तो क्या होगा कि भूकंप जैसा होता है। ठीक है, तो उसके द्वारा भी भूकंप आ सकती है। ठीक है, अब देखिए ये तो भूकंप के निम्न कारण है। अब देख लीजिए वह विज्ञान जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, भूकंप विज्ञान या फिर सिस्मोलॉजी बोला जाता है। जिस विज्ञान में क्या किया जाता है? भूकंप तरंगों का अध्ययन किया जाता है, उसको भूकंप विज्ञान बोलते हैं या फिर सिस्मोलॉजी इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है वह यंत्र जिस पर भूकंपीय तरंगों को अंकित किया जाता है, भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जिस विज्ञान में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है उसको भूकंप विज्ञान, और एक यंत्र होता है जिसमें भूकंपीय तरंगों का क्या किया जाता है कि अंकन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि आलेखन किया जा सकता है या अंकित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग भूकंप लेखी, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को दो तरह के स्केल पर मापा जाता है। देख लीजिए जनरली जो है दो तरह के स्केल है, पहला है रिक्टर या फिर रिचर स्केल बोलते हैं, और दूसरा जो है मार्केली स्केल होता है। ये दोनों स्केल पे ही भूकंपीय तरंगों का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए भूकंपीय तरंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा PSL। ठीक है, लेकिन भूकंपीय तरंग मेनली कितना है, दो तरह के है, एक होता है भूगर्भिक और एक होता है धरातलीय तरंग। भूगर्भिक तरंग जो होता है इसमें दो तरह की तरंगें आती है, एक पी तरंगें आती है, पी वेव जिसको बोलते हैं, और एक होता है एस वेव। ठीक है, तो एस पी और एस वेव क्या हो गया, ये भूगर्भिक तरंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और धरातलीय तरंग जो होता है वो एल वेव कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ये थी अभी जानकारी, और देखिए कुछ और जानकारियां हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहां पे धरातल के अंदर वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस मूल, या फिर बोल सकते हैं अब केंद्र, या इंग्लिश में हाइपोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप फिगर के अनुसार ये कह रहा है कि धरातल, सपोज कीजिए कि ये धरातल है। ठीक है, ये क्या है, धरातल, और धरातल के अंदर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति जहां पे होती है, मतलब यहां पे भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, धरातल है, धरातल के अंदर जहां पे भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस अवकेंद्र, या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं फोकस मूल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है धरातल के ऊपर वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग पहुंचते हैं उसे क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। ये बोल रहा था धरातल के अंदर रहेगा तो फोकस या फिर अवकेंद्र या हाइपोसेंटर, लेकिन यहां बोल रहा है कि धरातल के ऊपर, तो धरातल के ऊपर है तो यहां पे जब भूकंपीय तरंग पहुंचता है तो ये क्या होता है, जहां पे सबसे पहले पहुंचा धरातल पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक है, एपिसेंटर और हाइपोसेंटर के बीच, एपिसेंटर मतलब ये हो गया और हाइपोसेंटर ये हो गया, तो ये दोनों के बीच जो ये वाला पार्ट है ये, ठीक है, एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र या हाइपोसेंटर या अवकेंद्र, ये दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसी को बोलते हैं फोकल डेप्थ या फिर फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, फोकल डेप्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख भूकंपीय तरंग। अब देखिए मैंने बताया था कि दो तरह की तरंगे मुख्यतः, एक भूगर्भिक जिसको मैं पी वेव और एस वेव आता है। ठीक है, और एक होता है धरातलीय वेव जिसमें एल वेव आता है। अब यहां पे तीनों को अलग अलग बांट के बता दे रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है, पहला है पी वेव। पी वेव को हम लोग PLC को एक कोडवर्ड में याद रखेंगे, पी वेव को PLC। PLC कहने का मतलब क्या हो गया, फुल फॉर्म इसका पी फॉर प्राइमरी, मतलब कि प्राथमिक वेव इसको बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब देशांतरीय वेव बोल सकते हैं इसको, और कंपेरिजनल वेव, सी फॉर कंपेरिजनल वेव होता है। ठीक है, अब देखिए पी वेव के बारे में क्या जानते हैं। पी वेव की जो गति होती है सर्वाधिक होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक वेगवान होती है, मतलब कि सबसे स्पीड से चलने वाली वेव जो है वो पी वेव है, और ये एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचती है। एपिसेंटर करने का मतलब क्या, धरातल के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे धरातल के ऊपर सबसे पहले पहुंचने वाला वेव कौन सा है, तो पी वेव हो जाएगा। ठीक है, उत्पत्ति सबसे पहले होती है, अब धरातल पे सबसे पहले पहुंच रहा है इसका मतलब क्या, उत्पत्ति भी सबसे पहले होगी तभी तो धरातल पे सबसे पहले पहुंचेगी, तो इसका मतलब कि धरातल पे सबसे पहले पहुंचने वाला या एपिसेंटर पे बोल सकते हैं वो होता है पी वेव, इसकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है, और इसको अभी बताया मैंने प्राथमिक तरंग प्राइमरी वेव इसको बोलते हैं। और देखिए इसका एक और खासियत है, ठोस द्रव और गैस तीनों में गमन करती है, लेकिन
क्या करता है, द्रव में इसकी चाल क्या होता है, धीमा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठोस द्रव और गैस तीनों में गमन करने वाली वेव कौन सा है, तो ये पी वेव होता है, और तीनों में तो गमन करता है लेकिन द्रव में क्या होता है, इसका चाल धीमा पड़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा उसको। अब आइए नेक्स्ट वेव की ओर, एस वेव बोलते हैं, ठीक है। एस वेव को आप लोग एक कोडवर्ड में याद रखिएगा, STD, ठीक है, STD। एस फॉर सेकेंडरी वेव, टी फॉर ट्रांसवर्स वेव, और डी फॉर डिस्ट्रॉशनल वेव, ठीक है। तो सेकेंडरी का मतलब इसको बोल सकते हैं द्वितीयक तरंग भी है। इसकी गति जो है 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती है, द्वितीयक तरंग इसको कहा जाता है। और एपिसेंटर पे कब पहुंचता है, पी वेव जब पहुंच जाता है, उसके बाद पहुंचता है फिर एस वेव, ठीक है। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि जो पहले चलेगा उसका वेग भी ज्यादा है, तो सबसे पहले पहुंचा, दूसरा बार में जब ये चला 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो ये सेकेंड बार पहुंचा, मतलब कि पी वेव के बाद पहुंचता है एपिसेंटर पे। और उत्पत्ति क्या होता है कि पी वेव के बाद होता है, जाहिर सी बात है। और इसमें देखिए, इसकी एक खास बात यह है कि यह ठोस में गमन करती है लेकिन द्रव में इसका गमन नहीं करता है, ठीक है। ठोस में गमन करने वाला लेकिन द्रव में गमन नहीं करने वाला कौन सा वेव है, तो यह हो जाएगा एस वेव, ठीक है। पी के लिए हो जाएगा PLC और एस वेव के लिए हो जाएगा STD, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एल वेव क्या है, लॉन्ग पीरियड वेव, कहने का मतलब कि यह लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक क्यों चलता है, क्योंकि इसका वेग सबसे कम होता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलता है, ठीक है। लेकिन सबसे कम वेग होता है बट विनाशकारी सर्वाधिक होती है, तो सर्वाधिक विनाशकारी वाला वेव कौन सा होगा, तो एल वेव होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो होती है सबसे अंत में होती है, ठीक है, और एपिसेंटर पे सबसे अंत में पहुंचेगी। अब जिसकी उत्पत्ति ही सबसे अंत में हो रही है तो क्या करेगा, एपिसेंटर पे कब पहुंचेगा, तो सबसे अंत में ही पहुंचेगा, इसीलिए इसकी विनाशकार करने की जो क्षमता होती है सर्वाधिक होती है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर नहीं देख पा रहा होगा तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब हम लोग देख लेंगे कि भूगर्भिक संरचना, मतलब कि पृथ्वी के अंदर कौन से असंबद्धता, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब जितने भी चीजें हैं वो सब मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पे, तो दोस्तों यहां पे देखिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के यांत्रिक भाग को विद्वानों ने 3 वर्गों में विभाजित किया है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ठीक है। विद्वानों ने कितने भाग में बांटा है, तो 3 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन है, तो पहला क्रस्ट है, भूपरपट्टी जिसको ऊपरी परत बोलते हैं हम लोग, मेंटल, और एक होता है कोर जो कि सबसे निचली परत होता है पृथ्वी का, ठीक है। तो देखिए आप फिगर के अनुसार, सपोज कीजिए पृथ्वी है, एक त्रिज्या खंड काट लिया गया है, ठीक है, यहां से यहां तक कि कितना है इसका गहराई, 6371 किलोमीटर। क्रस्ट जो होता है ये 0 किलोमीटर मानिए, यहां पे 0 है, ठीक है। तो 0 से 100 किलोमीटर के बीच में रहता है जो कि क्रस्ट रहता है, ठीक है, और 100 से 2900 किलोमीटर के बीच में रहता है, उसको मेंटल बोलते हैं, और ये कोर जो होता है 2900 से 6371 किलोमीटर में होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं कि क्रस्ट कितने किलोमीटर के रेंज तक रहता है, तो 0 से 100 किलोमीटर, मेंटल का बोलेगा तो 100 से 2900 किलोमीटर, और कोर को बोलेगा तो 2900 से 6371 किलोमीटर, ठीक है। अब देख लेते हैं बारी बारी से, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्या होता है। अब देखिए, एक क्रस्ट है, मेंटल है और ये कोर है, ये तीनों के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। क्रस्ट क्या है, भूपरपट्टी, क्रस्ट मतलब कि सबसे ऊपरी परत, ठीक है, भूपरपट्टी, हम लोग ये वाला डिस्कशन कर रहे हैं 0 से 100, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सबसे ऊपरी परत इसको बोलते हैं, 100 किलोमीटर तक की गहराई इसको पाई जाती है, मतलब कि 100 किलोमीटर तक से ज्यादा नहीं जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, इसका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है भूपरपट्टी पर का जो होता है, उसका सबसे कम घनत्व होता है 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, ठीक है। और इसमें कहता है कि निम्न में, इनमें से निम्न तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए,
भूपरपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कुछ तत्व है जिसको मैं ट्रिक के अनुसार बता दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, आसिए लोक के सोपो में, आसिए लोक के सोपो में, आसे ऑक्सीजन, मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, ठीक है, तो आसे ऑक्सीजन हो जाएगा, आसिए सी फॉर सिलिकन और ए फॉर एल्यूमिनियम, लोक लो फॉर लोहा और के फॉर कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, सोपो में तो सो से हो जाएगा यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा पी फॉर पो से पोटेशियम और मैं जो लास्ट में लिखा हुआ है ठीक है वो हो जाएगा Mg मतलब कि मैग्नेशियम होता है। तो ये क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिर सिलिकन एल्युमिनियम लोहा कैल्शियम सोडियम पोटेशियम और लास्ट में होता है मैग्नेशियम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, आसिए लोक है सोपो में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मोह असंबद्धता। एक मोह वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश भूगोल वेत्ता थे, ठीक है, मोह असंबद्धता की खोज जो किया गया था 1909 में किया गया था। तो देखिए मोह असंबद्धता जो है वो 100 किलोमीटर की गहराई तक मिलती है, यहाँ पे कहा जाता है कि 100 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती है, यह क्रस्ट मतलब कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में होती है। अब देखिए निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इधर फिगर में बताया हूं, अब देखिए यहाँ पे निचली क्रस्ट, क्रस्ट को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बांटा गया है, तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि मोह असंबद्धता जो है ये निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल मतलब कि ये जो मेंटल को है भी दो पार्ट में बांटा गया, कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हो जाएगा ऊपर, इसके ऊपर जितना जाइएगा सब क्रस्ट में, इसके नीचे ये दोनों के बीच में आएगा, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा मेंटल और इससे जो नीचे जाएगा वो हो जाएगा कोर। तो यहाँ पे मोह असंबद्धता जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मोह असंबद्धता किन दो मतलब कि परतों के बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग निचली क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अगर वो नहीं बोलना चाहते हैं तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। और ये होता है कितने 100 किलोमीटर के रेंज में होता है, ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई में होता पाया जाता है मोह असंबद्धता। अब आइए ये तो हो गया, इसकी खोज जो किया था क्रस्ट का, खोज जो किया था भूपरपट्टी का वो किया था, सॉरी मोह असंबद्धता के जो खोज किया था वो मोहरोविकिक महोदय ने किया था, ठीक है, ये ब्रिटिश के भूगोल वेत्ता है, तो उन्होंने मोह असंबद्धता की खोज की थी, ठीक है। अब देखिए मेंटल, मेंटल आते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, मेंटल जो पाया जाता है अभी मैंने बताया 100 से 2900 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, इसका घनत्व होता है भूपरपट्टी से ज्यादा घनत्व होता है, घनत्व जो होगा 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। और यह देखिए अब मेंटल को भी दो पार्ट में बांटा गया है, मेंटल को कितने पार्ट में, तो दो पार्ट में बांटा गया है, एक हो जाएगा ऊपरी मेंटल और दूसरा हो जाएगा निचली मेंटल। तो ऊपरी मेंटल जो है 100 से कितना 1000 किलोमीटर तक रहता है, और जो 1000 से 2900 किलोमीटर तक जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये निचली मेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं कि ये 100 से, यहाँ पे भी देख सकते हैं 100 से 1000 और 1000 से 2900, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल हो गया। अब देखिए क्रस्ट में पाया जाता है मोह असंबद्धता और मेंटल में जो पाया जाता है उसको गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन कम से कम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है यह 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, कहाँ है तो 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है यहाँ पे, ठीक है। यह निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में स्थित है, तो यह निचली मेंटल, निचली मेंटल कहने का मतलब क्या होगा कि मेंटल के निचली पार्ट, ठीक है, तो मेंटल के निचली पार्ट ये हो गया, और ये ऊपरी कोर, तो ऊपरी कोर जहां पे यहाँ पे 2900 किलोमीटर के डिवाइड करता है ये दोनों को, ठीक है। तो यही है 2900 किलोमीटर की गहराई पे गुटेनबर्ग असंबद्धता पाया जाता है और 100 किलोमीटर की गहराई पे मोह असंबद्धता पाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखिए कोर, अब आइए हम लोग, तो कोर क्या है, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, कोर जो होता है जिसको क्रोड भी बोलते हैं, कि पृथ्वी की सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग कोर, ठीक है। इसकी जो गहराई होती है 2900 से 6371 किलोमीटर, 2900 से
6371 किलोमीटर। और इसको भी कोर को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक ऊपरी कोर और एक निचली कोर। तो ऊपरी कोर जो होता है 2900 से 5150 किलोमीटर के बीच में होता है, और निचली कोर जो होता है 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिया था कि इसका घनत्व क्या होता है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। और इतना ज्यादा घनत्व कैसे, मतलब कि पृथ्वी के अंदर इतना ज्यादा घनत्व किस कारण से होता है, तो आप लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोर में आयरन या फिर लोहा की उपस्थिति जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे घनत्व जो है बहुत ज्यादा है, 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर को ध्यान में रखिएगा, ये जीरो है यहाँ पे। ये फिगर को आप लोग को मोहर समझता और गुटेनबर्ग समझता में आसानी होगी कि किस किस के बीच में पाया जाता है गुटेनबर्ग और किसके किसके बीच में मोहर समझता। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया क्रस्ट मेंटल और कोर। दोस्तों देखिए यहाँ पे सुरेश महोदय ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला है सियाल SIAL, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। सियाल, सीमा और नीफे, जो ऊपरी भाग जो होता है वो सियाल होता है। सियाल का मतलब क्या होता है, जिसको में सिलिकन और एल्युमिनियम है, सिलिकन एंड एल्युमिनियम। ठीक है, सीमा, सीमा में क्या हो जाता है, सिलिकन और मैग्नीशियम हो जाता है। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। सीमा, सीमा में क्या है, सिलिकन और मैग्नीशियम। और यहां आ जाएगा नीफे, नीफे में क्या होता है, निकेल और फेरस। फेरस का मतलब कि लोहा, लोहा की अधिकता। ये दोनों की अधिकता के कारण क्या होता है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, आप लोग को बताए थे। ठीक है, अब देखिए होम्स महोदय के अनुसार, होम्स भी एक वैज्ञानिक थे, होम्स महोदय के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग दो वर्गों में बंटा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि होम्स महोदय ने भी पृथ्वी के आंतरिक भाग को दो वर्गों में विभाजित किया है। वो पहला किया है क्रस्ट, और दूसरा जो है वो है अधः स्तर या फिर सबस्ट्रेटन। क्या वो उसको बोलते हैं, सबस्ट्रेटन। तो आप लोग देखिए यहां पे जो होम्स बोले थे, ये क्रस्ट जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का ये ऊपरी वाला जो पार्ट है क्रस्ट है, और ये जो अधः स्तर बोलते हैं या फिर सबस्ट्रेटन बोलते हैं। अब सबस्ट्रेटन कहां से आया, देखिए सियाल और नीफे दोनों को जब मिला दिए ना, ये दोनों को मिला दिए, सॉरी सीमा और नीफे को जब मिला दिए, सियाल नहीं बल्कि सीमा, सीमा और नीफे को जब मिला दिए, तो उसी को हम लोग बोल दे दिए कि ये सबस्ट्रेटन है, मतलब कि अधः स्तर है। तो ये होम्स महोदय के अनुसार था। ठीक है दोस्तों, देखिए अब वीडियो के लास्ट में, हर एक वीडियो के लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन देता हूं, तो देख लीजिए टॉप 10 क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब टॉप 10 क्वेश्चन की बारी है, तो आइए आज क्या क्या दिया गया है टॉप 10 क्वेश्चन में मैं करवा देता हूं। टॉप 10 क्वेश्चन में ये है, रॉकी पर्वत के सर्वोच्च चोटी, रॉकी पर्वतमाला है उसका सर्वोच्च चोटी कौन है, तो यह है मैकिंगले। मैकिंगले, ठीक है, माउंट मैकिंगले। रॉकी पर्वत किस महादेश में है, तो रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, यहां पे माउंट जोड़ सकते हैं, माउंट मैकिंगले। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो माउंट एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। ठीक है, एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो ये माउंट टबकल है, माउंट टबकल। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला किसको बोलते हैं, कौन से पर्वत है, तो ये बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के सर्वोच्च चोटी कौन है, तो ये माउंट कोशिश को,
माउंट कॉसिस्को। अल्प्स पर्वत किस महादेश में है? तो अल्प्स जो है यूरोप में है, यूरोप महादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प्स पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सा है और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन है? ये तीनों को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए, ठीक है, कैसा लगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।